सूर्य कुमार यादव अपनी जिंदगी की वो बेस्ट बैटिंग कर रहे हैं, वो फील्डर्स को नहीं देख रहे हैं, वो गैप्स को देख रहे हैं, वो बाउंड्री को देख रहे हैं, वो छक्के लगाने की सोचते हैं। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटेंट हो। सूर्य कुमार यादव है ना, इसको क्या कहूं मैं यार, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे T20 क्रिकेट का बॉलर जट है भाई, जिस तरह से वो सूझ रहा था बॉलर्स को आज। वो याद दिला दूं खुदा के वास्ते, मेरी कंट्री के प्लेयर्स हैं, T20 फॉर्मेट में मत मिलाना सूर्य कुमार से, वरना मुंह की खाते जाओगे डे बाय डे। जिस पाई का वो खिलाड़ी है, जो उसमें सलाहियत है। एंड सूर्य कुमार यादव की वापसी क्या हुई? सूर्य कुमार यादव ने कहा मैं हूं मुंबई इंडियंस का परमानेंट मेंबर और मैं करके दिखाऊंगा, मैं उस तरह परफॉर्म करता है। यस, वन सेकंड कर दिया। तो जनाब कोई पूछे तो कहना सूर्य कुमार यादव आया था और बॉलिंग का मर्डर करने चला गया। फ्लॉलेस इनिंग्स खेली उन्होंने, इससे बड़ा हौसला बढ़ता है डगआउट का, क्योंकि एक तो आपका टॉप बैट्समैन ये कह रहा है कि मैं हर मुश्किल में आपको मैच जिताऊंगा, और इसी वजह से मुंबई इंडियंस इस आईपीएल में बहुत बड़ी टीम है। मतलब ही इज अमेजिंग यार, फिनोमिनल। मैं कहूं कि यार क्या उसने इनिंग्स के लिए, मजा आ गया देख के यार, मजा आ गया देख के, ईमानदार की बात है। कुछ नहीं यार, एज ऑर्डिनरी क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, जस्ट लेट्स से एज जस्ट नॉर्मल क्रिकेट फैन, फॉर मी इट वाज द टिल द टाइम ही वाज बैटिंग, मैं नहीं उठ सका यार। ये किसी दिन क्रिकेट को खत्म ही कर देगा, ये 12-13 ये 12-13 छक्के मार देगा कोई 10-12-15 बॉलों में, और ये 10-12 छक्के करा देगा। T20 के जो ख्वाहिशमंद बच्चे हैं ना, जिनको लगता है कि बड़ा आसान है जाओ छक्के, जो अपनी नफरत करा देगा, मतलब ये बोलेगा कि जाओ कर लो मार के दिखाओ। एक तरफ ईशान किशन और रोहित शर्मा का ब्रीजी 60 अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 197, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने तो पूरा मैच पलट के रख दिया 3 ओवरों के अंदर, 19 बॉलों में मतलब 52 रन करके, ये बोला ये ले वो ले, खत्म कर मामला। इतनी टेंशन देने की नहीं है ना, वन खेलेगा। मुंबई इंडियंस ने धाक बनाई इस टूर्नामेंट में, उसकी वजह है प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, रोल्स डिफाइंड है, सबको पता है कि सिचुएशन के हिसाब से। और दूसरा, इस टीम को जीतना आता है, इस टीम को टफ सिचुएशन से निबटना आता है, इसी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुंबई इंडियंस इतनी ताकतवर टीम बनके उभरे हैं आईपीएल में। ईशान किशन की थोड़ी सी बात कर लें, क्या लाजवाब टैलेंट है वो, 22 साल की उम्र है, मगर क्या उनमें हुनर है, स्किल्स है, नडरपन है, बेखौफी है, रेपुटेशन का लिहाज नहीं करते स्ट्रोक प्ले में, एक्सप्लोसिवनेस पे, टैलेंट पे, स्किल्स पे, और ये इनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जिसको खेलना चाहिए दूसरे बैट्समैन वो है सूर्य कुमार यादव, अपनी जिंदगी की वो बेस्ट बैटिंग कर रहे हैं, वो फील्डर्स को नहीं देख रहे हैं, वो गैप्स को देख रहे हैं, वो बाउंड्री को देख रहे हैं, वो छक्के लगाने की सोचते हैं। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटेंट हो, और आप बेहतरीन फील कर रहे हो और जिंदगी की बेस्ट बैटिंग कर रहे हो। बिल्कुल ऐसी आज भी उन्होंने बैटिंग की, लाजवाब शॉट मेकिंग थी, कॉन्फिडेंस था, और जब मैच इन्होंने जितवाया, शानदार रन चेज किया इन्होंने, फ्लॉलेस इनिंग्स खेली उन्होंने, इससे बड़ा हौसला बढ़ता है डगआउट का, क्योंकि एक तो आपका टॉप बैट्समैन ये कह रहा है कि मैं हर मुश्किल में आपको मैच जिताऊंगा, और इसी वजह से मुंबई इंडियंस इस आईपीएल में बहुत बड़ी टीम है। आईपीएल 2024 की सबसे तेज तरीन 50 बना दी है सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने अपने कैरियर की सबसे तेज तरीन इनिंग और अपने कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग खेली आईपीएल के अंदर। आईपीएल 2024 की शानदार मैच के अंदर जो था आरसीबी मुंबई इंडियंस के दरमियान, उस मैच के अंदर स्ट्राइक मिला सूर्य कुमार यादव को, सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने तबाही मचा दी। टोटल 19 बालों के ऊपर हाफ सेंचुरी मुकम्मल करके एक बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ एक अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि सूर्य कुमार यादव को पहले ही स्टार माना जाता था, लेकिन उनको मौका का मिलता था, और कल के मैच में उनको मौका मिला, और मौका मिलते ही उन्होंने छक्का मार दिया और बता दिया कि वो इस मौके के हकदार थे। शोएब अख्तर का कहना है कि सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के आज के दौर के तेज तरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है और T20 फॉर्मेट के अंदर ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत थी इंडिया को, जो कि मिल चुके हैं सूर्य कुमार यादव की शक्ल में। रमेश राजा कहना है कि कल के मैच में सूर्य कुमार यादव ने 19 बॉलों पर 50 बनाई है, उस 50 से एक बात तो साबित हो गई है कि अगर उनको मजीद मौका मिला तो वह सेंचुरी भी कर सकते हैं 30-32 बॉलों के ऊपर। 50 बनाने के लिए सूर्य कुमार यादव 4 चौके और 5 छक्के लगाए, इतनी फास्टेस्ट इनिंग खेली है, और ना सिर्फ फास्टेस्ट इनिंग खेली है बल्कि पूरे ग्राउंड में शॉट खेली है। पाकिस्तानी मीडिया के मजीद कहना था कि सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ ये नहीं देखा कि मैंने कहां पर शॉट मारनी है, उन्होंने जहां जहां भी उनको गैप मिला, चाहे गैप छोटा हो चाहे बड़ा, जैसा भी गैप मिला पूरे ग्राउंड में 360 के एंगल में हर तरफ शॉट खेली और हर तरफ अपना बल्ला घुमाया ऐसे कि हर शॉट बाउंड्री के बाहर, हर बॉलर ने हर तरीके से बॉल कराई, तमाम फील्डर बाउंड्री पे लगाए गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने छक्के लगाए, ऐसे छक्के लगाए कि हर बॉल ग्राउंड के बाहर गई और कोई एक बॉल भी फील्डर के हाथ में ना आई।
लेकिन देखिए ना मुंबई इंडियंस ऐसा लग रहा है वही रिपीट हो रहा है हर सीजन का, कि शुरू में मुंबई इंडियंस आके हारना शुरू करती है, लोग इनको टूर्नामेंट से आउट कर देते हैं, फिर ये वापस ट्रैक पकड़ना शुरू करते हैं। और सूर्य कुमार की वापसी मतलब स्काई इज द लिमिट वाली कहानी आज उसे फिर करके दिखाई। एक तरफ ईशान किशन और रोहित शर्मा का ब्रीजी स्टार्ट अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 197, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने तो पूरा मैच पलट के रख दिया 3 ओवरों के अंदर 19 बॉलों में, मतलब 52 रन करके ये बोला ये ले वो ले खत्म कर मामला। इतनी टेंशन देने की नहीं है ना, वान खेड़े का मैदान है तो ये मैदान के बाद वान खेड़े का मुंबई का किंग कौन, सूर्य कुमार यादव, उसे आज ये साबित किया फिर एक दफा। सो मुंबई इंडियंस इज वेल बैक ऑन ट्रैक। जसप्रीत बुमराह की आप यॉर्कर्स देख लें, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह आज विराट कोहली को डांस कराया पिच के ऊपर, इट वॉज अ टेस्टमेंट कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ T20 IPL का बेहतरीन बॉलर नहीं, वो ऑल फॉर्मेट और दुनिया का एक बेहतरीन बॉलर है। और आज क्या कमाल बॉलिंग आपको एक दफा फिर जसप्रीत बुमराह की तरफ से देखने को मिली, मतलब आरसीबी सवेरा जस्ट इन द कंपटीशन राइट नाउ, विराट हैज द ऑरेंज कैप, बट बुमराह को तो देखें पांड्या ने खुद ही किया ना, पांड्या की कैप्टनसी भी जहां उंगलियां उठ रही थी, बहुत सारे लोग ना देखो वो रोहित और वो गैंग्स और सोशल मीडिया वॉर्स उस वजह से ना बहुत सारी चीजें मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। अब हार्दिक पांड्या के लिए जो ऊपर से क्रिटिसिज्म हो रही थी अर्ली ऑन, वो उसकी कैप्टनसी के ऊपर भी हो रही थी। आपने खुद देख लिया कि हार्दिक पांड्या खुद नहीं बॉलिंग करने आ रहा, जसप्रीत बुमराह को ऊपर ला रहा है, आज उसने नबी से ऊपर ओवर कराया, अच्छा हुआ, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, विराट भी सिंगल ले रहा है, पाप भी सिंगल ले रहा है, वो तो आखिरी बॉल के ऊपर चौका पड़ गया। लेकिन आरसीबी इज नॉट पुटिंग अप दैट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन आज, हालांकि रजत ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली और दिनेश कार्तिक हर दफा वर्ल्ड कप आता है और डीके फिनिशर के रोल में परफॉर्म करना शुरू करते थे, पार्ट टाइम कमेंटेटर फुल टाइम क्रिकेटर के, फुल टाइम क्रिकेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटर वाली कहानी समझ नहीं आती डीके की, क्योंकि इस साल तो समझ नहीं आ रही डीके खाके क्या आया, मतलब आज भी 23 बॉल में 53 रन इन गेम आफ्टर गेम डीके इज प्रूविंग टू बी अ सॉलिड फिनिशर फॉर आरसीबी। लेकिन आरसीबी हर मैच में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देता है, आज इस विकेट के ऊपर 196 बनाए, आरसीबी सोच रहा है बहुत स्कोर है, नहीं आपकी जो बॉलिंग है आपको तो वैसे ही 25 रन ऊपर बनाने, सो आप 20 रन अंडर पार थे, 25 रन आपको अपनी बॉलिंग चाहिए, तो 45 रन तो सीधा सीधा यही आरसीबी शॉट था। बड़ा कमाल गुजर रहा है, संजू सैमसन इज राइटली नॉकिंग ऑन द डोर, ईशान किशन इज पिकिंग इट अप अगेन, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन दैट इज हैपनिंग। और इस आईपीएल में आपको सबसे ज्यादा जो मजे की चीज ही दिख रही है जो अनकैप इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, और मेरा फेवरेट रियान पराग, फाइनली रियान पराग ने मल्टीपल सीजन की भरमबाजी के बाद अब डिलीवर करना शुरू कर दिया, और वही वाली बात है हल्का सा चेंज ऑफ एटीट्यूड। और आप देखो रियान पराग इस टूर्नामेंट की फाइंड है, अगर ऑरेंज कैप पे विराट बैठा हुआ तो सेकंड नंबर पे रियान पराग बैठा हुआ है, एंड द काइंड ऑफ द परफॉर्मेंसेज रियान पराग इज पुटिंग अप, मतलब कमाल है यार, मतलब आप राजस्थान की पूरी टीम ही उठा के देख लीजिए, युजवेंद्र चहल पर्पल कैप और युजी चहल तो इस वक्त राइट ऑन द टाइम ही इज नॉकिंग ऑन द डोर्स, मतलब वो तो सब बता रहे कि आई एम द बेस्ट लेग स्पिनर।